आज यानी गुरुवार से नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि सूर्य उपासना का यह महान पर्व 4 दिनों तक चलता है। आज नहाए खाए है, वहीं 1 नवंबर को छठ व्रती महिलाएं खरना करेंगी। भगवान भास्कर को 2 नवंबर को सायंकालीन अर्घ और 3 नवंबर को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नहाए खाए के लिए व्रती छठ घाटों पर पहुंचने लगे हैं और इन गंगा घाटों पर वे पूजा अर्चना कर रही हैं, भगवान भास्कर को अर्घ दे रही हैं। नदियों में पवित्र स्नान के बाद कद्दू की सब्जी, अरवा चावल का भात, चने की दाल, आंवले की चटनी, लौकी का बचका आदि प्रसाद ग्रहण करेंगी। आपको बता दें कि नहाए खाए को लेकर इस बार बाजारों में कद्दू काफी महंगा हो गया है। आपको बता दें कि आज के दिन इस प्रसाद को ग्रहण करने की कई खास मान्यताएं हैं। वैदिक मान्यताओं के अनुसार नहाए खाए से छठ के पारण सप्तमी तिथि तक उन भक्तों पर षष्ठी माता की कृपा बरसती है जो श्रद्धा पूर्वक व्रत उपासना करते हैं। नहाए खाए के दौरान सौम्य एवं स्थिर योग में 4 दिवसीय छठ महापर्व की ये शुरुआत जो हो रही है। इस दिन सप्तमी तिथि में सूर्य का प्रभाव 1000 गुना अधिक हो जाता है। इस तिथि को गंगा स्नान मात्र से शरीर के सारे कष्टों का नाश हो जाता है और 100 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है।